दिन में बॉलिंग इंडिया से करवा के देख लिया जाए कि वहां कितना तंग करेंगे। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका शायद इस तरफ चाहे और वो रात में खुद बॉल करना चाहिए क्योंकि उनके तो बॉलर भी रात बबूमा में अच्छी गेंदें आप करते सुन हैं। ले, सबसे ज्यादा आपको अप्रिशिएट आज तक आकर किसी इंसान ने किया है तो फवाद भाई ने किया है, जिन्होंने बिल्कुल आपको मजाक नहीं उड़ाया कि आप सो रहे होते हैं और आप रन नहीं स्कोर करते और आप कोटे पर आए हैं, तो आप इनकी बात सुनते हुए अगर टॉस जीत जाए तो आपने पहले बैटिंग करनी है। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट, मैं हूं सादिया सार और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब मैच है आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया और मैं करूंगा शुरुआत इसलिए कि इंडिया की टीम बहुत शानदार खेल रही है और उनका मैच उस टीम से है जो कि बहुत अच्छा खेल रही है, वो भी बहुत अच्छा खेल रही है और फिर एक बार देखना ये चाह रहे हैं हम लोग कि क्या इंडिया साउथ अफ्रीका से हार सकता है। फेवरेट इंडिया है तो ये अब सवाल सिर्फ ये कि क्या इंडिया कोई मैच हार सकता है। साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन फिर भी वो नेदरलैंड से हारे। इंडिया बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह से उनके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, जो मैंने बात की थी मुझे यही लगता है सादिया कि अगर दिन में बॉलिंग इंडिया से करवा के देख लिया जाए कि वहां कितना तंग करेंगे, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका शायद इस तरफ चाहे और वो रात में खुद बॉल करना चाहिए क्योंकि उनके तो बबूमा आप सुन ले, सबसे ज्यादा आपको अप्रिशिएट आज तक आकर किसी इंसान ने किया है तो फवाद भाई ने किया है, जिन्होंने बिल्कुल आपको मजाक नहीं उड़ाया कि आप सो रहे होते हैं और आप रन नहीं स्कोर करते और आप कोटे पर आए हैं, तो आप इनकी बात सुनते हुए अगर टॉस जीत जाए तो आपने पहले बैटिंग करनी है बिल्कुल और उनको पहले गेंदें करानी है इंडिया को। अच्छा लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैज गिवन सो फार, इज इट अ फाइनल बिफोर फाइनल? ऐसे ही लगता है मुझे, ऐसा लग रहा है दीज आर द टू मेन सेमीफाइनल टीम्स, मे बी अब कुछ भी हो सकता है सेमीफाइनल लाइनअप, इट्स टू अर्ली, बट जिस तरह की क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं एंड देन जिस तरह का पता नहीं पाकिस्तान आती है, अगर आती है तो क्या होता है, लेकिन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया को ही अगर मैं कंसिडर करूँ बींग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। देखिए मैच बहुत ज्यादा टर्न करेगा, मैं इस मैच को बाकी किसी मैच से ले ही नहीं रहा कि कौन आता है कौन जाता है क्या होता है। ये दोनों टीमें आ चुकी हैं सेमीफाइनल, ऑफ कोर्स आ चुकी हैं, तो इसलिए मैं इस मैच को एक अलग तरीके से देख रहा हूं कि अगर टॉप फोर में इनका मुकाबला या फाइनल में होता है तो हमें फाइनल से पहले फाइनल जो आप बात कर रही हैं कैसा मिलता है। प्लस इंडिया बहुत शानदार बैटिंग कर रहा है, कोलकाता में इतना बड़ा क्राउड होगा और उन्हें अच्छा एक मैच मिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छे मैचेस वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बिकॉज इंडिया ने अभी तक अपना कोई लूप होल एज सच दिखाया नहीं है, यू नो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत प्रेशर है कि आगे वाले मैचेस के लिए अपना जो है ना सिक्का जमा दे। सादिया मुझे लगता है जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेल रहा है, अगर तो साउथ अफ्रीका दोबारा पहली बारी करता है और वो ही 350-350 करता है तो इंडियन बैटिंग का भी इम्तिहान होगा। ठीक है, इस स्कोर पे 350 के करीब 325-350 आसान नहीं होगा इंडिया के लिए चेस करना, प्लस 300 प्लस 325 अगर वो करता है, आई एग्री, आई एग्री टू सम एक्सटेंट, और ऑन द अदर एंड इंडिया भी अगर बड़ा टोटल करता है तो दूसरी टीम के ऊपर चेस अच्छा नहीं कर रहा। आपने देखा होगा अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने स्ट्रगल किया था, वैसे ही इंडिया जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है तो is, मुझे लगता है टॉस पे फैसला होगा। यस आई एग्री विद दैट, आल्सो मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयर किया जाए अगर दोनों टीमों को चेजिंग की तरफ ना, तो मुझे स्टिल इंडिया बेटर साइड पर लगती है चेस के लिए, यू नो व्हाई, बिकॉज इन देखिए अभी पिछले मैच में हमने देखा रोहित गॉट आउट बट थ्री ऑफ द बैट्समैन नीचे से आके, शबन भी गए, विराट भी गए, यू नो, तो अच्छा खेल कर चले गए। मुझे ऐसा समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो वो सारे प्लेयर्स समवेयर दे आर कमिंग वेरी नियर टू सेंचुरीज और दे मेकिंग सेंचुरीज, सो मुझे ऐसा लग रहा है देखो चेस करने में ना, फिर ये देखना है कितना चेस करना है। ठीक है, प्रेशर तो बिल्कुल कोई है ही नहीं किसी पे भी, हाँ, तो चेस कितना करना है और चेज में कोहली का इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि कोहली रहता है या नहीं रहता। साथ साथ एक और चीज ये कि कोहली की सेंचुरी का बड़ी शिद्दत से इंतजार, अब ये देखना कि विराट कोहली के साथ कौन करता है नहीं करता है। सही, शुभमन गिल भी बड़ी अच्छी फॉर्म में, रोहित वेरी गुड फॉर्म, बहुत आला सारे खेल रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। कोहली आप मुझे बताएं क्या करता है,
कोहली पे भैया क्यों हमें कोहली पे बात इंडिया में ना करें तो लोग नो नो ऑफ कोर्स आपको कोहली पे क्यों, वैसे भी हम बात इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि ही इज द बैकबोन भाई क्या, और कोहली का जो एक इस वक्त अच्छा, क्या कहते हैं किरदार है ना टीम में, एक सिनेरियो में सिर्फ फेल हो सकता है कोहली, 300 प्लस साउथ अफ्रीका करने जा रहा है अगर करता है ओके तो कोहली 50 के अंदर आउट हो सकता है 20 25 30 में ठीक है, where is that logic coming from? मुझे इसलिए लगता है कि 6 से ऊपर का अगर एवरेज होता है जिस किस्म की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है वो भी रात में बड़ी अच्छी, लेकिन मैंने देखा कोहली स्टार्ट्स अप वेरी केयरफुली, मुझे इसलिए डर लग रहा है कि थोड़ा सा अगर रन रेट ज्यादा हुआ ना और रात में साउथ अफ्रीका ने बॉल की कोहली स्ट्रगल करेगा, लेकिन अगर पहली बारी आती है सही है तो कोहली 100 भी कर सकता है इसी के साथ। अब मुझे ये बताएं, नहीं पहले मुझे ये बताएं कौन देगा कोहली का साथ, इज इट शबमन, इज इट शबमन गिल और इज इट केएल राहुल और रोहित इज गोना गेट आउट अर्ली या दे आर गोना गेट अ गुड स्टार्ट? देखिए डिपेंड करता है पहली बारी पे, सेकंड बारी पे, सेकंड बारी में अगर तो इंडिया अच्छा करेगा तो रोहित को ऊपर से रन करने पड़ेंगे, लेकिन अगर ओपनर्स नहीं चले तो इंडिया को परेशानी होगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका चेस करने में। यस चलें जी, कैसा निकलवा लिया, इसी के साथ ही बाय 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 बाय।